नमस्कार, आज हम बात करेंगे फिग्स या अंजीर के बारे में। ये किस तरह का फ्रूट है, किस तरह का प्रोडक्ट है और लोगों के लिए क्या फ़ायदे करता है यदि हम अंजीर को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इससे हेल्थ रिलेटेड क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आज इस बात पर डिस्कस करेंगे। ये एक अच्छा न्यूट्रिशियस फ्रूट माना जाता है, इसको आप रेगुलरली अगर लेते हैं तो हेल्थ के लिए काफ़ी तरह के बेनिफिट्स आपको दे सकता है। आज उन सारे अलग अलग तरह के बेनिफिट्स क्या है और किस तरह से होते हैं, कितने तरह के बेनिफिट्स हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अंजीर का या फिग का सबसे इम्पोर्टेंट या अच्छा बेनिफिट ये है कि फाइबर का स्रोत अच्छा है, बॉडी वेट को कम करने में मदद करता है। फाइबर वाली कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं तो वो पेट को ज़्यादा जल्दी भरा हुआ महसूस करवाता है, जिसके वजह से आपका वज़न ओवरऑल कम होता है क्योंकि आपको और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि बॉडी में फ्री रेडिकल इंड्यूस डैमेज से आपको बचाते हैं, तो ओवरऑल आपकी स्किन को भी हेल्दी रखते हैं और बॉडी को भी हेल्दी रखते हैं। लंबे समय तक एजिंग रिलेटेड फ्री रेडिकल का जो डैमेज होता है बॉडी में उससे आपको बचाते हैं। हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और पोटाशियम होता है जो कि आपका ब्लड प्रेशर को कम करता है। दूसरा, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है, तो हार्ट के लिए ये अच्छा है, हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा फ्रूट माना जा सकता है। फाइबर कंटेंट अच्छा होने से डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या बॉडी में आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा ये हड्डियों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, तो हड्डियों में थोड़ा कैल्शियम बढ़ जाता है यदि आप ज़्यादा मात्रा में अंजीर या फिग्स को लेते हैं। वेट जिनका ज़्यादा है, उनका वज़न ज़्यादा है, उसको वज़न कम करने के लिए भी अच्छा है क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। ब्लड शुगर लेवल्स को इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो कुछ स्टडीज़ ने शुरू किया है कि शुगर को कम करने में भी मदद करता है, तो आप अंजीर को ले सकते हैं। ये शुगर लेवल के मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है। स्किन के हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्किन की एजिंग प्रोसेस को कुछ हद तक कम करते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाता है, अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपका बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता या कीटाणुओं से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है यदि आप अंजीर को लेते हैं। इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि आपका शुगर लेवल उतना बढ़ने नहीं देते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम जिसमें फाइसिन और ब्रोमेलिन करके होते हैं जो कि प्रोटीन डाइजेशन में मदद करते हैं, तो अगर आप अंजीर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो पेट का डाइजेशन एंजाइम्स के टर्म्स में भी अच्छा होता है। कॉन्स्टिपेशन में तो अच्छा है ही, डाइजेशन के टर्म्स में भी अच्छा है, डाइजेशन को थोड़ा सपोर्ट मिलता है यदि आप अंजीर को लेते हैं तो। इसके अलावा जो लोग को अगर खून की कमी है तो उसमें ये थोड़ा सा मदद करता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में थोड़ा मदद करता है, तो एनीमिया वाले पेशेंट्स को भी अंजीर लेना चाहिए। इसके अलावा ये एक नेचुरल लैक्सेटिव है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो इसको ले सकते हैं, तो फाइबर कंटेंट होने की वजह से आपके मोशन की मूवमेंट को ये बेटर करता है। कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, कैंसर वाले पेशेंट्स अगर इसको लेते हैं तो थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत। इसमें बेंजल डिहाइड करके कंपाउंड होता है जो कि थोड़ी इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है और कैंसर के सेल्स को ग्रो करने में कुछ मदद करता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करती है, बॉडी के सूजन को कम करती है। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने से हार्ट अटैक, लकवे वगैरह का चांस बढ़ जाता है, तो आप इसको लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। आँखों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है और विटामिन ए की कमी होने से नाइट ब्लाइंडनेस या रातों में देखने में दिक्कत आपको होती है। विटामिन ए होने की वजह से ये आपकी आँखों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी जो लोग ब्रोंकाइटिस के या खांसी के पेशेंट हैं उनके लिए भी अच्छा फ्रूट माना गया है। इसमें खांसी को सप्रेस करने की थोड़ी प्रॉपर्टीज होती है, गले को थोड़ा तरावट देता है, थोड़ा सूदन करता है, तो इसलिए अगर आपको खांसी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये अच्छा है। इसके अलावा कुछ स्किन की बीमारियाँ जैसे सोरियासिस और एक्जिमा के जो पेशेंट्स हैं उसमें एंटी इन्फ्लेमेशन इसका प्रॉपर्टीज होने की वजह से या स्किन में थोड़ा सूदन करने की वजह से आपको ठंडक का एहसास देगा। इसकी वजह से अगर आपको सोरियासिस और एक्जिमा की बीमारी है तो स्किन में इन्फ्लेमेशन को कम करके आपको बेनिफिट देगा। इसके अलावा जिन लोग को न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है वो अगर अंजीर को लेते हैं तो बॉडी के न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने की आंतों की कैपेसिटी कुछ बेटर हो जाती है यदि आप रेगुलर बेसिस पे अंजीर को लेते हैं। इसको आप अलग अलग तरह से फ्रूट्स में ले सकते हैं, डायरेक्टली भी खा सकते हैं, सलाड्स में, जैम में, ड्रेसिंग में, सॉसेज वगैरह में, अलग अलग चीज़ों पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरह से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है,
बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना इसको बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से ये बहुत हेल्दी नहीं है। पर आप अप्रोप्रिएट मात्रा में, अगर ठीक ठाक मात्रा में इसको लेते हैं दिन भर में 20-30 ग्राम के आसपास, अगर आसपास इसको लेते हैं तो ये हेल्दी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से ये नुकसानदायक भी हो सकता है। फिग्स वैसे तो एक हेल्दी कंपाउंड है, इसको अगर आप एज अ फ्रूट रेगुलर बेसिस पे लेते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना इसको अच्छा नहीं है। रिकमेंडेड ये है कि लगभग 2 मीडियम साइज़ अंजीर यानी 50 ग्राम्स पर डे आप डेली अगर लेते हैं तो अच्छा है। हालांकि इस तरह की चीज़ों में कोई स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशन नहीं होता है। फाइबर कंटेंट इसमें अच्छा है, इसलिए आपके डाइजेशन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें कुछ नेचुरल शुगर्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसको खाएंगे तो कैलोरी बढ़ जाएगी, वजन बढ़ने का भी रिस्क होता है। इसलिए लगभग 40-50 ग्राम्स के अगर आसपास अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं तो अच्छा है। उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, खासकर जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से वजन बढ़ने का थोड़ा रिस्क है उनके लिए। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया फिग्स यानी अंजीर के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। हमारी उम्मीद और कोशिश ये रहेगी कि हमारे चैनल से आपको कुछ नया सीखने और जानने को मिले, जिससे आप अपनी हेल्थ को और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें।